हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत को ऐसा अमीर बनाएगा राम मंदिर, ओए होए। इन जिलों का होगा फायदा, ओ अयोध्या रीडेवलपमेंट। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, इसमें दो राय ही नहीं है कि राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या पूरी दुनिया में हिंदुओं की सबसे पवित्र जगह बन गई है। भारत से लेकर अमेरिका तक और अफ्रीका से लेकर फिजी तक, दुनिया भर में रहने वाला हर हिंदू एक बार अयोध्या आकर प्रभु श्री राम के दर्शन जरूर करना चाहता है। लोगों की श्रद्धा का तो ये आलम है कि 22 जनवरी को अयोध्या में बाहरी गाड़ियों के आने की मनाही थी, तो लोग 100 किलोमीटर दूर से ही अयोध्या के लिए पैदल निकल पड़े। 22 जनवरी की रात अयोध्या धाम पहुंचे तो पता लगा कि सारे होटल बुक है, मगर प्रभु को लेकर आस्था ऐसी थी कि सारी रात लोगों ने ठंड में जाकर सड़क पर ही गुजार दी और फिर 23 जनवरी को दर्शन करने के लिए सुबह 5 बजे से लाइनों में लग गए। और ये किसी एक या दो लोगों की नहीं बल्कि हजारों लोगों की कहानी है। लोगों की यही आस्था, भगवान राम को लेकर उनका यही प्रेम बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में अयोध्या में भक्तों का सैलाब उमड़ने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक अयोध्या में हर रोज 5 से 10 लाख लोग दर्शन करने आ सकते हैं, मतलब एक साल के अंदर 20 करोड़ श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने अयोध्या आएंगे। अब इन करोड़ों श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए सैकड़ों होटल चाहिए होंगे, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टैक्सियां चाहिए होंगी। यहां आने वाला हर श्रद्धालु अगर 10,000 रुपए भी खर्च करे तो एक साल में सिर्फ अयोध्या में होने वाली कमाई दुनिया की कई देशों की पूरी GDP से भी ज्यादा हो जाएगी। पाकिस्तान अकेले अयोध्या ही नहीं, अयोध्या से 100-100 किलोमीटर दूर तक रहने वाले हर किसान, दुकानदार, व्यापारी की लाइफ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। बिजनेस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अकेले श्री राम जी का मंदिर ही यूपी को कुछ सालों में $1 trillion की इकोनॉमी बनाने में बड़ा रोल निभा सकता है। अकेले राम मंदिर इतने लोगों को रोजगार दे देगा जितना सैकड़ों हजारों फैक्ट्रियां भी मिलकर नहीं दे सकती। तो कैसे प्रभु श्री राम का एक मंदिर अयोध्या की, या यूं कहूं कि उत्तर प्रदेश की, या यूं कहूं कि पूरे भारत के रिलीजियस टूरिज्म की तकदीर बदलने वाला है, आइए आज इस वीडियो में उसी पर बात करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, जो आंकड़ा मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके होश उड़ा कर रख देगा। और कोई भी आज के बाद अगर आपसे ये पूछे कि मंदिर बनाने से क्या मिलेगा तो ये वीडियो भेजकर मैं तो किसी को कुछ बताना नहीं, तुम्हारा दिमाग में कीड़ा है। ऐसे लोगों का मुंह बंद करने की कार्यवाही शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे दबाकर शेयर करना, अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों तक पहुंचाना और कमेंट सेक्शन में जाकर एक बार जरूर लिखना। जितनी बार देखो ऐसा लगता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मैं हूं रौनक। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो बहुत से जलनखोर लोग ये सवाल करने लगे कि मंदिर तो बन गया, अब क्या करें, इससे किसी को रोजगार मिलेगा क्या, इससे अच्छा तो इतने पैसे में अस्पताल बना देते, ये कर लेते, वो कर अपना घर की जगह तोड़ के वहां अस्पताल बना लो। कुल मिलाकर ऐसे जलनखोरों का यही कहना था कि मंदिर बनाने बनाने से क्या होगा, ये बनाना तो पैसे की बर्बादी है और इससे कुछ होने वाला है नहीं। तो मैं अपने देश में रखने की पैसे की बर्बादी है। ऐसे लोगों के पृष्ठ भाग में जो असहनीय पीड़ा हो रही है ना, जो दर्द हो रहा है, जो पेन हो रहा है उनके बैक साइड में, उसको अगर मैं छोड़ भी दूं तो भी ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर राम मंदिर से मिलेगा क्या। नहीं, फायदा देखते हैं कोई इंसान, भगवान के नाम पे भी फायदा देखेंगे। इसे एक लाइन में यूं समझ लीजिए कि जो अयोध्या वासी आज से पहले साल भर में जितना नहीं कमाते थे उससे कई गुना ज्यादा पैसा वो अगले 1-2 महीने में ही कमा डालेंगे। लेकिन कैसे, इसके ऊपर आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और उस पर अपनी राय भी रखेंगे। वैसे राय से याद आया, आपके पास भी अपनी ओपिनियन या राय है तो उसे देकर आप ढेरों पैसे जी के मंदिर में भी देखना भी है कि क्या फायदा होता है कि नहीं। मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके प्रोमो आपको डाउनलोड करो। कई सारे सवाल है, सिर्फ हाँ या ना में आपको अपनी ओपिनियन देनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कल से टेस्ट क्रिकेट शुरू हो रहा है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, क्या लगता है इंडिया इंग्लैंड को हराएगी पहले टेस्ट मैच में, या फिर रोहित शर्मा को अपना घर तोड़ के वहां पे अस्पताल बना ले, स्कूल बना ले। ओपिनियन आप प्रोमो पर दीजिए, कॉन्टेक्ट और दूसरे शब्दों में यूं कहूं तो धार्मिक ही नहीं, भगवान श्री राम जल्द ही देश के सबसे बड़े बिजनेस ब्रांड भी बनने वाले हैं। मतलब सिर्फ भगवान राम से जुड़ी चीजों का कारोबार इतना हो जाएगा जितना शायद ही इस देश में किसी और चीज का हो।
दोस्तों इस वक्त देश में 200-250 शहर ऐसे हैं जो पूरी तरह उस शहर में मौजूद एक बड़े मंदिर की वजह से चलते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO के मुताबिक भारत में धर्म से जुड़ी अर्थव्यवस्था तकरीबन 3 लाख करोड़ की है। देश की कुल GDP में इसका योगदान 2.25% के आसपास है। देश के कुछ सबसे बड़े मंदिरों की बात करें तो अकेले तिरुपति बालाजी मंदिर की सालाना आय 3,000 करोड़ रुपए है, शिरडी मंदिर की सालाना आय 500 करोड़ है और तो और हर साल होने वाली कांवड़ यात्रा का कारोबार भी 250 करोड़ के आसपास का है। अब हम अयोध्या पर आते हैं। अयोध्या धाम में भगवान राम का मंदिर बनना पिछले 500 सालों की सबसे बड़ी घटना है। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक शायद ही देश का कोई कोना ऐसा हो जहां भगवान श्री राम पूजे न जाते हो। यही वजह है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरी दुनिया से हिंदू श्रद्धालु यहां आने के लिए बेकरार हुए बैठे। बिल्कुल, जय श्री राम। ग्लोबल प्रोग्रेस फर्म के मुताबिक हर साल कम से कम 5 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या आएंगे। कुछ एजेंसीज का तो मानना है कि ये फिगर 10 करोड़ तक जा सकता है। इससे उत्तर प्रदेश को हर साल 25,000 से 30,000 करोड़ की आमदनी होगी। मतलब अयोध्या के मेकओवर पर खर्च हुए 80,000 करोड़ रुपए तो ऐसा लग रहा है सिर्फ 3 साल में ही पूरे हो गए। इस तरह राम मंदिर बनने के साथ ही अयोध्या में होटल्स, एयरलाइंस, हॉस्पिटैलिटी, FMCG, ट्रेवल, सीमेंट समेत तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको बंपर फायदा होने वाला है। हालत ये कि 2020 में अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से अब तक प्रॉपर्टी के प्राइस 4 गुना से 20 गुना तक बढ़ चुके हैं। ताज ग्रुप यहाँ 2 5-star होटल का कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुका है। हयात और ओबराय भी यहाँ पर 5-star होटल ला रहे हैं। इस वक्त अयोध्या में कुछ ही होटल है। अभी यहाँ 75 नए होटल पाइपलाइन में। ओयो ग्रुप भी यहाँ 1,000 होटल रूम्स और जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब भैया जो लोग ये पूछ रहे थे कि राम मंदिर से क्या फायदा होगा, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर किसी शहर में एक नॉर्मल सा 2-star होटल 20 कमरों वाला भी खुलता है तो वहां शेफ से लेकर मैनेजर, हाउसकीपिंग और बाकी स्टाफ को मिलाकर 20-30-40-50 लोगों तक का स्टाफ चाहिए होता है। मैं यहाँ छोटे से छोटे होटल की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े बनेंगे। अब इन होटलों में काम करने के लिए सारा स्टाफ दूसरे शहरों से तो आएगा नहीं। हो सकता है कोई सीनियर मैनेजर आ जाए या कोई शेफ आ जाए, मगर बाकी लोग को लोकल ही रखने ना पड़ेंगे। हेलो, इस तरह सीधे सीधे एक होटल में 20-30 से 40 छोटे होटल की बात कर रहे हो। 40 लोगों को रोजगार देने का मतलब है इतने ही परिवारों का पेट। टूरिज्म इज द आंसर। अब आने वाले 2 सालों में अयोध्या में और उसके आसपास ऐसे 500 होटल भी खुलते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि अकेले हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से 500 होटल भी कम पड़ेंगे। बताइए, इतना ही नहीं, यूपी सरकार ने तो होम स्टे योजना चलाकर आम लोगों को ही ये ऑफर दे दिया है। होम स्टे मतलब घरों में कर लो, होम स्टे में तब्दील करके अपने घर से ही कमाई कर सकते। देखो अब तक 600 घरों को सरकार की इस होम स्टे योजना से जोड़ा जा चुका है। अयोध्या के अधिकारी तो खुशी खुशी ये बता रहे हैं कि इस होम स्टे योजना के बाद जो लोग अयोध्या में अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए थे कमाने खाने, वो अपने घरों में होम स्टे चलाने दोबारा अयोध्या आ गए हैं। मतलब क्या कमाल कमाल के चेंजेस हो रहे हैं, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अभी तो मैं सिर्फ होटल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। सभी जानते हैं कि किसी शहर में अगर कोई टूरिस्ट जाता है तो होटल धर्मशाला में ही रुकता है, वो बाहर रेस्टोरेंट ढाबे में खाना खाने जाता है। तो भैया ढाबे वालों का भी कारोबार बढ़ेगा। वही टूरिस्ट अगर शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टैक्सी लेगा तो शॉपिंग करेगा। यही टूरिस्ट मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल लेगा, प्रसाद लेगा, सुवेनियर शॉप से सुवेनियर लेगा। वो सरयू के घाट पर जब जाकर दिए जलाएगा तो दिए भी लेगा। मतलब मैं एक मंदिर से पैदा होने वाले सारे कारोबार अगर यहाँ गिनाने लगूं तो शायद पूरा एपिसोड इसी में निकल जाए। और ऐसा नहीं है कि राम मंदिर का फायदा सिर्फ अयोध्या तक ही रहने वाला है। अयोध्या के आसपास गोंडा से बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर सबको तो बाकी सारे अकेले अयोध्या हर चीज की डिमांड पूरी नहीं कर पाएगा। इतने लोगों के आने से फल, सब्जियों और दूध की जो डिमांड बढ़ेगी उसका सीधा फायदा किसानों को होगा। फैक्ट तो ये है भैया कि अयोध्या में जो डिमांड पैदा होने वाली है उसे प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी जैसे पड़ोसी जिलों को मिलकर पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और जोड़ दूं कि जो भाई लोग मंदिर को हिंदू और मुस्लिम से जोड़कर ये साबित करने पर तुले हैं कि इससे तो एक वर्ग खुश नहीं है, अरे भैया जब मंदिर से हर गली कूचे को फायदा होगा तो क्या वो फायदा किसी एक अपनी दुकान बंद कर देंगे, वो भी वही चीजें बेचेंगे जो चाहिए, होटल खोलकर बैठे हैं, क्या मंदिर की कृपा उन पर नहीं बरसेगी क्या? और क्या उनके यहाँ लोग खाना खाने मिल रही? हेलो, अगर वो इन इलाकों में गाड़ी चलाएंगे तो क्या टूरिस्ट उनकी गाड़ी में आकर नहीं बैठेगा? बैठेगा। उस एरिया में अगर उनकी जमीन है
तो क्या उनकी जमीनों के दाम 10 गुना नहीं बढ़े हैं क्या? बिल्कुल बढ़े हैं, और ये बात वो भी समझते हैं। तो दोस्तों एंड में हर चीज तो धंधे पर ही टिकी है ना। बताइए अगर मंदिर बनने से किसी को रोजगार मिल रहा है, उसका धंधा बढ़ रहा है, तो इससे खुश होगा कि नहीं होगा? एंड में सबको काम करके अपने परिवार को ही तो खुश करना है, और परिवार की खुशी से बढ़कर दुनिया में और क्या है बताइए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अयोध्या अगर आज चमक रही है तो इसमें एक बड़ा क्रेडिट स्टेट गवर्नमेंट को भी जाता है। अदालत के फैसले से 3 साल पहले ही योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनते ही पहला काम तो ये किया कि उन्होंने अयोध्या को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बदल दिया, जिससे उसका बजट बढ़ा, उसकी ताकत बढ़ी, और उसी वक्त से शहर को चमकाने का काम धीरे धीरे शुरू हुआ। और जब फैसला आया तो सरकारों ने अयोध्या पर अपना खजाना खोल दिया। अयोध्या में राम मंदिर से 7 किलोमीटर दूर 14 बीघा जमीन पर 219 करोड़ रुपए लगाकर नया बस अड्डा बनाया गया है। मंदिर से बस कुछ ही दूरी पर 250 करोड़ रुपए लगाकर रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया गया है, और 1450 करोड़ रुपए लगाकर नए एयरपोर्ट का पहला फेज का पूरा कर लिया। एयरपोर्ट के पहले फेज का काम पूरा होने के बाद हर साल 10 लाख लोगों के यहाँ लैंड करने का अनुमान है, और जब एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हर साल यहाँ 60 लाख लोग आ सकेंगे। यहाँ तक कि नए रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड करके इस लायक बनाया गया है कि वहाँ डेली 60,000 से ज्यादा लोग आ सकते हैं। आपको यह भी बता दी कि एयरपोर्ट बनने के साथ ही हर दिन एयरलाइन कंपनियां अलग अलग शहरों से अयोध्या के लिए अपनी फ्लाइट शुरू कर चुकी है। इंडिगो ने दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई से अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर दी है। एयर इंडिया ने बेंगलुरु, कोलकाता और दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट का ऐलान किया है और शुरू भी हो गई है। स्पाइसजेट और अकासा एयर ने भी कई सिटी से अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट का ऐलान किया है। इसके अलावा IRCTC ने अयोध्या के लिए टूर पैकेज का ऐलान भी किया है। वो क्या है? ट्रैवल कंपनियों का कहना है कि भारत नहीं, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, इंग्लैंड और फिजी तक से लोग अयोध्या आकर दर्शन करना चाहते हैं। अमेरिका फुल करो, ज्यादा हाईलाइट ऐसा खर्च करने को तैयार है। कंपनियों का कहना है कि हमारे पास इतनी बुकिंग्स आ रही हैं कि हमारे लिए इसे मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। अयोध्या को लेकर लोगों का क्रेज इतना है कि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आते ही गूगल पर अयोध्या को लेकर जो सर्च है वो 586% तक बढ़ गई। दोस्तों फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 8% की एनुअल ग्रोथ के हिसाब से 2033 तक भारत में टूरिज्म का कुल कारोबार 443 अरब डॉलर का हो जाएगा। इन्हीं फोर्ब्स ने 2022 में भारत को दुनिया का 7वां सबसे खूबसूरत देश बताया था। भारत में कुल 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इस लिहाज से भी भारत दुनिया में 6ठे नंबर पर है। इतनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और किसी देश में नहीं है। और अब तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है। इसके बाद सिर्फ इस मंदिर को देखने अयोध्या और भारत आने वालों का जो नंबर होगा ना भाई साहब, उसे आप सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। ऐसे ही होगा, हमेशा मुझे लगता है। फैसलों के महज 3 साल में अयोध्या में जमीन की कीमतें 10 से 20 गुना तक बढ़ गई। अभी तो राम मंदिर का पूरा कॉम्प्लेक्स बनना बाकी है। 2025 तक पूरा मंदिर कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो जाएगा। इस बीच सैकड़ों नए होटल भी खड़े हो जाएंगे। इन सब के चलते अयोध्या और उसके आसपास 200 किलोमीटर तक जो डेवलपमेंट होगा उसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। और इन सब के बावजूद कि मंदिर से मिलेगा क्या? अरे चचा, अरे ओ डैश वाले चचा, मंदिर से हम भक्तों को खुशी और प्रभु राम का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही मंदिर से इतने लोगों को रोजगार भी मिलेगा जितना कोई बड़े से बड़ा कारोबार भी नहीं दे पाए। इसीलिए मैंने शुरू में कहा है कि प्रभु राम भारत के सबसे बड़े धार्मिक ब्रांड ही नहीं, सबसे बड़े बिजनेस ब्रांड भी बन गए। बाकी तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि भगवान श्री राम के मंदिर का न बनना इस देश की आत्मा पर बहुत बड़ा बोझ था। प्रभु श्री राम की संतान होने के नाते ये एक ऐसा अधूरा फर्ज था जो हमें सालों पहले पूरा कर देना चाहिए था, और आज सैकड़ों सालों बाद आत्मा से वो बोझ दूर हुआ है, वो फर्ज पूरा तो हुआ है, तो इस देश की किस्मत भी जरूर मुस्कुराएगी। भगवान तो आए ही हैं, उनके साथ लक्ष्मी जी भी आएंगी। मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान श्री राम के मंदिर के इस प्रताप से इतने लोगों का पेट भरे, इतने लोगों को रोजगार मिले, इतने लोगों के बच्चों को खुशियां मिले कि वो कभी खत्म ही ना हो। आखिर उस इंसान से ज्यादा खुशनसीब और कोई नहीं हो सकता जिसे इस बात की तसल्ली है कि वो अपने पैसों से अपने परिवार वालों को खुशियां दे पा रहा है। बाकी हो ही वही जो राम रची राखा। प्रभु श्री राम के चरणों में हम सब की तरफ से सादर नमन और वंदन। उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर से जुड़ा हमारा ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। भाई बहुत ही अच्छा था। मैं तो अब ये सोचती हूँ, ये मानती हूँ कि जिसने जो बोलना है बोलता रहे, किसी ने पूछना है कि ये मंदिर क्यों बनाया, उसकी जगह हॉस्पिटल बना ले, तो मैं तो परवाह ही नहीं करती। पहले तो होता था जी समझाओ इन्हें,
मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को समझाना फालतू है, क्योंकि उन्होंने कभी समझना ही नहीं। जो इस टाइप का क्वेश्चन करते ही हैं उसी से पता चल जाता है कि उनमें बिल्कुल भी अक्ल है ही नहीं कि भैया। और अब मेरा तो ये है कि तुमको बनाना है अगर हॉस्पिटल वॉस्पिटल, तुम बना लो अपने घर में, तोड़ो घर वहाँ बना लो, हमें मंदिर चाहिए, हमने बनाया, हमारे भगवान जी का घर है, हमें चाहिए। तुमको ये बात समझ नहीं आती तो ना आए। अब इसमें प्रॉफिट होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, ये होता है वो होता है, कोई मायने नहीं रखता। मंदिर होना चाहिए था, मंदिर बना। सबसे है। बड़ी बात यह है कि टूरिज्म जो है बढ़ेगा, तो बढ़ेगा ही, सबको पता है। और टूरिज्म से बहुत सारी जॉब्स आएंगी और इकोनॉमी आगे जाएगी। बेस हर इकोनॉमी का एजुकेशन ही है, और एजुकेशन के बाद जाके आप टूरिज्म देख रहे हैं कि सभी लोग स्पेंड कर रहे हैं। पूरा का पूरा एरिया, पूरा यूपी ऊपर आएगा बिकॉज ऑफ टूरिज्म। बिल्कुल, पूरा यूपी आएगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में टॉप बन जाए टूरिज्म के प्लेस, तो एक ही काम करना पड़ेगा, कीप दी कंट्री क्लीन। बहुत है। अगर आप क्लीन रखते हैं लोग आएंगे। इट डजंट मैटर कि क्या चीज पुरानी है क्या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लीन सबसे बड़ी बात है। अगर क्लीन है, पीपल विल कम। बिल्कुल। और इतना ही, और खाली जो है मतलब इंडियंस, हिंदू इंडियंस नहीं आएंगे यहाँ देखने, फॉरेनर्स भी आएंगे, क्योंकि उनको भी होगा कि हमें शांति वाली जगह, ऐसे भगवान की इतनी अच्छी सुंदर जगह पे हमें भी जाना है, हमें भी वो एक्सपीरियंस करना है। जब बहुत यहाँ पे लोग होते हैं, क्योंकि वो इतने दुखी होते हैं अपने रोज के कामों से, दुनियादारी से, कि कितने लोग आएंगे बस उस वो एक्सपीरियंस करने। जब योगी जी स्पीच दे रहे थे, उस स्पीच में उन्होंने बोला था कि आप गंदगी मत रखिएगा। क्योंकि सबको पता है कॉन्सेप्ट कि अगर कोई भी सिटी कोई भी एरिया क्लीन है तो टूरिस्ट आएंगे। और सारी दुनिया की रिलीजियस प्लेसेस जैसे वैटिकन सिटी है, सब उस, नहीं मैं कह रही हूँ उससे सबसे अच्छा, सबसे भव्य, सबसे सुंदर ये होगा और यही होना चाहिए। देखिए, उनमें उन सिटीज़ में तो बड़ा पैसा लग चुका है, सदियों से लगा के उन्होंने अच्छा कर दिया। हम बनाए, अब हम जो है पैसा लगा के 5 साल में उसे ग्रेट कर देंगे। हम तो नया बना रहे हैं, वो तो पुराना है। मतलब ये होगा 5 साल में आप अयोध्या की किसी गली में चले जाइए, इट विल बी ब्यूटीफुल। ऐसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और बहुत सुंदर होना चाहिए, बहुत सफाई होनी चाहिए। और अभी से देखो इतना अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब इतनी अच्छा आपको फीलिंग्स आती है वीडियो ही देख के कि कैसे खुशी से लोग जा रहे हैं, सब जय श्री राम बोल रहे हैं। वैसा तो आप सोचो वहां जाके कितना आपको मतलब शांति और इतना कहते हैं ना आनंद टाइप, भगवान के क्लोज होने का आनंद मिलेगा। तो यार बहुत ही प्यारा वीडियो था। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।